तो फाइनली दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते रिलीज होने वाली दोनों ही फिल्में यानी कि दोस्तों स्वतंत्र वीर सावरकर और मड़गांव एक्सप्रेस का आज बॉक्स ऑफिस पर दूसरा दिन है। और दोस्तों इन दोनों ही फिल्मों में किसने अपने दो दिनों की बाजी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर मारी है ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। साथ ही साथ बात करने वाले हैं इंडियन बॉक्स ऑफिस पर चल रही सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म शैतान और योद्धा के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में जानेंगे। दोस्तों यहां पर सुपरस्टार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े छोटे मियां का जो बज है वो कहां तक पहुंच पाया है और क्या ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग लेगी या नहीं। और बात करेंगे दोस्तों यहां पर जूनियर एनटीआर की पैन इंडिया फिल्म देवरा से जुड़ी बड़ी अपडेट्स के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी इन फिल्मों का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं, बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पिछले हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्म योद्धा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसके लीड में आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ साथ दिशा पाटनी और राशि खन्ना भी नजर आई है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुष्कर ओझा और सागर अमरे के डायरेक्शन में बनने वाली योद्धा एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे कि बॉक्स ऑफिस पर 2500 स्क्रीन पर पिछले हफ्ते ही रिलीज किया गया था, जहां पर इस फिल्म को अपने पहले दिन 4,25,00,000 रुपए की ओपनिंग मिली। ऑडियंस की तरफ से दोस्तों इस फिल्म को रिव्यूज अच्छे मिले, क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को अच्छी रेटिंग्स दी। लेकिन दोस्तों सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म अपने शुरुआती 3 दिनों में जहां 17,00,000 रुपए ही कमा पाई थी, तो वहीं दोस्तों अपने विगड़ेस में इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे वो भी कुछ खास ट्रेंड करते हुए नजर नहीं आए। इस फिल्म ने अपने पहले ही हफ्ते में 27,00,000 रुपए ही कमाए इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर के, जिसमें इस फिल्म के 7वें दिन के कलेक्शंस 1,90,00,000 रुपए के रहे। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर इस फिल्म के कल यानी कि अपने 8वें और आज के कलेक्शंस की, तो दोस्तों बता दें आपको कि कल 2 से 3 बड़ी फिल्में इस फिल्म के सामने रिलीज हो चुकी थी। रही दोस्तों की योद्धा की जो स्क्रीन से उसे और कम कर दिया गया। ये फिल्म दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कल 1,40,00,000 रुपए कमाने में कामयाब रही है। तो वहीं दोस्तों आज की इस फिल्म के जो कलेक्शन से उसमें थोड़ी ग्रोथ जरूर देखने को मिल रही है और ये फिल्म आज लगभग 2,30,00,000 रुपए कमा रही है। ऐसे में इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर जहां 31,00,000 रुपए का हो चुका होगा, तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म 42,00,000 रुपए कमा चुकी होगी। योद्धा का बजट 70,00,000 रुपए का है। ऐसे में इस फिल्म को हिट होने के लिए अभी भी काफी ज्यादा कमाई करनी है। बात की जाए दोस्तों यहां पर फिल्म मड़गांव एक्सप्रेस के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो दोस्तों बताते चले आपको कि मड़गांव एक्सप्रेस एक कॉमेडी एंटरटेनर फिल्म है जिसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इसी हफ्ते लगभग 1500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। और दोस्तों इस फिल्म के लीड में आपको प्रतीक गांधी के साथ साथ दिवेंदु और अविनाश तिवारी नजर आने वाले हैं। कुणाल खेमू के डायरेक्शन में बनने वाली दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते ऑडियंस को सिनेमा घरों तक लाने में कामयाब हो रही है। और दोस्तों कल इस फिल्म ने रिलीज होते ही ऑडियंस के दिलों में भी जगह बनाई, साथ ही साथ दोस्तों क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज दिए। बताते चले दोस्तों आपको कि कुणाल खेमू के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म में आपको बेहतरीन कॉमेडी देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों तीनों ही एक्टर्स की जो परफॉर्मेंस है वो भी फिल्म में काफी अच्छी है। फिल्म दोस्तों आपको 20s की कॉमेडी फिल्मों की तरह नजर आएगी। यही वजह है कि यह फिल्म दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कल अपने पहले दिन जहां 1,80,00,000 रुपए की ओपनिंग लेने में कामयाब रही, जो कि एक तरह से एक लो बजट फिल्म के लिए काफी बढ़िया ओपनिंग है। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म के सामने शैतान और रणदीप हुड्डा की फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर भी है। लेकिन दोस्तों बात की जाए इस फिल्म के आज के कलेक्शंस की, दोस्तों आज इस फिल्म के कलेक्शंस में लगभग 30-40% की ग्रोथ देखी जा रही है। और दोस्तों ये फिल्म आज एडवांस में ही 80,00,000 रुपए कमा चुकी है। मॉर्निंग से ही इस फिल्म की जो ऑक्यूपेंसी है वो आज 10% की है, तो वहीं दोस्तों आफ्टरनून और इवनिंग की ऑक्यूपेंसी भी इस फिल्म की आज 18-20% पर ट्रेंड कर रही है। यही वजह है दोस्तों कि ये फिल्म आज अपने दूसरे दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर जहां 2,50,000,000 रुपए से ज्यादा की कमाई करती हुई नजर आ रही है, जिससे कि इस फिल्म के 2 दिनों के कलेक्शंस 4,00,000 रुपए के आंकड़े को पार कर चुके होंगे। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की बात की जाए तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म 5.5 करोड़ रुपए कमा चुकी होगी। दोस्तों बताते चले आपको कि मड़गांव एक्सप्रेस का बजट कुछ ज्यादा नहीं है, ऐसे में इस फिल्म को हिट होने के लिए 40,00,000 रुपए से ज्यादा की कमाई करनी है। बात की जाए दोस्तों यहां पर फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी के जीवन के ऊपर बनाए गए स्वतंत्र वीर सावरकर एक बायोपिक ड्रामा फिल्म है, जिसके लीड में आपको इंडियन सिनेमा के टैलेंटेड एक्टर रणदीप हुड्डा के साथ साथ अंकिता लोखंडे नजर आने वाली है। तो वहीं दोस्तों उनका साथ इस फिल्म में और भी कई सारे एक्टर्स ने दिया है। वीर सावरकर को दोस्तों डायरेक्ट भी रणदीप हुड्डा ने ही किया है और
दोस्तों ये फिल्म लगभग 3 घंटे की है, जिससे कि ऑडियंस की तरफ से आउटस्टैंडिंग रिव्यूज मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दोस्तों क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को बेहतरीन रेटिंग्स दी है। रणदीप हुड्डा ने दोस्तों वीर सावरकर जी के जीवन को जिस तरह से इस फिल्म में दिखाया है वो काबिले तारीफ है। साथ ही साथ दोस्तों उनकी एक्टिंग और उनका डायरेक्शन भी बढ़िया है। यह वजह है दोस्तों कि ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कल जहां ऑडियंस को तो सिनेमाघरों तक लाने में कामयाब रही, साथ ही साथ सभी के दिलों में भी उतरी। और इस फिल्म ने जहां कल अपने पहले ही दिन बुक माई शो और पेटीएम पर मड़गांव एक्सप्रेस से भी ज्यादा टिकट सेल की, और इस फिल्म का अपने पहले ही दिन जो कलेक्शन रहा वो 2,10,00,000 रुपए का इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर हिंदी में रहा। तो वहीं दोस्तों मलयालम, तमिल और कन्नड़ भाषा को मिला लिया जाए तो इस फिल्म के कलेक्शन 2,50,00,000 रुपए के रहे हैं। उम्मीद थी दोस्तों कि ये फिल्म 4 करोड़ रुपए तक की कमाई कर लेगी, लेकिन दोस्तों आज इस फिल्म के कलेक्शंस में वो ट्रेंड देखने को मिल रहा है जो हम लोगों ने कल उम्मीदें की थी। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको कि आज ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 35-40% की ग्रोथ दिखा रही है, और आज की इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो 1 करोड़ रुपए की है। मॉर्निंग से ही दोस्तों ये फिल्म आज 12-13% की ऑक्यूपेंसी लेकर ओपन हुई है। वहीं दोस्तों आफ्टरनून और इवनिंग की ऑक्यूपेंसी भी इस फिल्म की बेहतरीन ट्रेंड कर रही है। यही वजह है कि ये फिल्म दोस्तों आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां अपने दूसरे दिन लगभग 3 करोड़ रुपए के आंकड़े को आसानी से पार कर रही है। वहीं दोस्तों सभी लैंग्वेजेस को मिलाकर इस फिल्म के कलेक्शंस 3,40,00,000 रुपए के आंकड़े को टच करने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों ये फिल्म शुरुआती 2 ही दिनों में 6 करोड़ रुपए की कमाई इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी होगी। दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शंस 7.5 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर चुके होंगे। स्वतंत्र वीर सावरकर को दोस्तों हिट होने के लिए सेम 30-35 करोड़ रुपए की कमाई करनी है, और ये फिल्म जल्द ही एक बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्म साबित होने वाली है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर फिल्म शैतान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जो कि दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों के रिलीज होने के बावजूद भी रुकने का नाम नहीं ले रही, और सुपरस्टार अजय देवगन की ये फिल्म कल भी इन नई फिल्मों से ज्यादा अच्छी कमाई करने में कामयाब रही। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चलें कि विकास बहल के डायरेक्शन में बनने वाली हॉरर थ्रिलर फिल्म है शैतान, जिसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 3,500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। और दोस्तों इन 3,500 स्क्रीन पर इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन से शानदार ओपनिंग ली थी। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको कि अपने पहले ही दिन 16 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेकर हॉरर जेनर की सबसे बड़ी ओपनर बनने वाली शैतान ने ऑडियंस के दिलों को जीत लिया, और दोस्तों अपने 3 दिनों के वीकेंड में ही 55 करोड़ रुपए की कमाई करके इस साल की 3री बिगेस्ट ग्रोसर बनी, और साथ ही साथ दोस्तों अपने पहले ही हफ्ते में 81 करोड़ रुपए की कमाई करके तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया और आर्टिकल 370 को भी इस फिल्म ने पीछे कर दिया। इस साल दोस्तों सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही फाइटर, उस फिल्म के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस फिल्म ने अपने दूसरे हफ्ते में भी इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर जहां 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की, तो वहीं दोस्तों अपने तीसरे हफ्ते में भी ये फिल्म कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ती हुई नजर आ रही है। कल दोस्तों इस फिल्म ने अपने 15वें दिन 2,60,00,000 रुपए की कमाई इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर की है, जो कि एक तरह से एक बार फिर आउटस्टैंडिंग होल्ड है। इस होल्ड के साथ ही इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 120 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है। बात की जाए इस फिल्म के आज के कलेक्शंस के, तो दोस्तों आज एक बार फिर से इस फिल्म के कलेक्शंस में 55-60% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, और दोस्तों ये फिल्म आज अपने 16वें दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर जहां 4.5 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म के जो कलेक्शंस है वो आज काफी अच्छा ट्रेंड कर रहे हैं। ये फिल्म दोस्तों आज 125 करोड़ रुपए की कमाई इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी होगी। तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म के जो कलेक्शंस है वो 180 करोड़ रुपए के आंकड़े को टारगेट कर रहे हैं। जल्द ही दोस्तों ये फिल्म 200 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल होने वाली सुपरस्टार अजय देवगन की एक और सुपरहिट फिल्म बन चुकी होगी। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर इस साल रिलीज होने वाली पैन इंडिया फिल्म देवरा से जुड़ी बड़ी अपडेट्स के बारे में, तो दोस्तों बताते चले आपको कि देवरा, जिसके लीड में आपको इंडियन सिनेमा के यंग टाइगर जूनियर NTR और ब्यूटीफुल जाह्नवी कपूर नजर आने वाली है। विलन के तौर पर दोस्तों इस फिल्म में आप सभी के फेवरेट सैफ अली खान नजर आने वाले हैं। बताते चले दोस्तों आपको कोरतला शिवा का डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस साल 10 अप्रैल को रिलीज किया जाना था, लेकिन दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट ना होने की वजह से और विजुअल्स पर काफी काम होने की वजह से इस फिल्म की रिलीज को आगे बढ़ा दिया गया, और ये फिल्म अब इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 8 अक्टूबर को रिलीज होगी। लेकिन दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म को लेकर अब बड़ी अपडेट निकल कर ये आ चुकी है कि इस फिल्म की शूटिंग गोवा में चल रही है, जहां से इस फिल्म के कुछ फोटोज लीक हुए हैं, और इन फोटोज में दोस्तों जूनियर
एयर एनटीआर के जो लुक्स है वो काफी गजब के नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म में आपको एक और एक्ट्रेस नजर आने वाली है जो कि है श्रुति मराठे। और दोस्तों श्रुति मराठे इस फिल्म में जूनियर एनटीआर की वाइफ का रोल प्ले करने वाली है। यानी कि दोस्तों इस फिल्म में आपको जाह्नवी कपूर का जो रोल होगा वो लव एंगल के हिसाब से देखा जाएगा, या तो फिर हो सकता है दोस्तों कि इस फिल्म में जूनियर एनटीआर के हमें ड्यूल रोल देखने को मिले। देखना यही होगा दोस्तों कि देवरा इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस को कितना पसंद आती है। फिलहाल में दोस्तों इस फिल्म का बज ऑडियंस के बीच में काफी अच्छा है। ट्रिपल आर के बाद जूनियर एनटीआर और रामचरण की हिंदी में काफी अच्छी फैन फॉलोइंग बन चुकी है। यही वजह है देवरा अगर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस को पसंद आती है तो हिंदी में 100 करोड़ फिल्म बनेगी, तो वहीं दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर लेगी। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर सुपरस्टार अक्षय कुमार की मच अवेटेड फिल्म बड़े मियां छोटे मियां से जुड़ी अपडेट्स के बारे में, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म का एक धमाकेदार ट्रेलर 26 मार्च को देखने को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों उससे पहले इस फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच में जो बज है वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में बनने वाली दोस्तों ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 10 अप्रैल यानी कि ईद के मौके पर रिलीज किया जाना है। और दोस्तों इस फिल्म में आपको सुपरस्टार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ का एक बार फिर धमाकेदार और बेहतरीन एक्शन देखने को मिलने वाला है। इस फिल्म में विलन के तौर पर दोस्तों आपको पृथ्वीराज सुकुमारन नजर आने वाले हैं, तो वहीं दोस्तों इस फिल्म का बजट भी काफी हाई है। कल दोस्तों आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के एक्शन सीन्स और उनके डांस को देखने के बाद इस फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच में अच्छा हाइप बन चुका है। कल दोस्तों इस फिल्म के गानों पर और इस फिल्म के एक्टर्स ने जो परफॉर्मेंस दी है उससे इस फिल्म को काफी फायदा होने वाला है। और दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन नॉर्मली 50 करोड़ रुपए से बड़ी ओपनिंग लेने वाली है। सुपरस्टार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के जो फैंस है वो तो इस फिल्म को काफी पसंद करने वाले हैं, लेकिन दोस्तों इस फिल्म को लेकर दूसरे जो फैंस है यानी कि दोस्तों जो सलमान को पसंद करते हैं, शाहरुख को पसंद करते हैं, वो भी इस फिल्म को पसंद करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म का एक्शन और इस फिल्म की स्टोरी एक यूनिक होने वाली है। मुझे लगता है दोस्तों कि बड़े मियां छोटे मियां को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर नॉर्मली 50 से 55 करोड़ रुपए की ओपनिंग आसानी से मिलेगी और दुनिया भर में यह फिल्म 80 से 100 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों बड़े मियां छोटे मियां को बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की ओपनिंग मिलेगी, आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़े सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।